ये एक बहन सवाल पूछती हैं, दिल्ली से ही पूछ रही हैं कि क्या जूड़ा बनाकर बालों को जमा करके सर के ऊपर जूड़े की शक्ल में बांधकर नमाज पढ़ना जायज़ है। यहाँ पर एक बात याद रखने की है, वो ये है कि ख्वातीन के बाल आमतौर से लंबे होते हैं और यही उनकी जीनत भी है। ख्वातीन के लिए जूड़ा बनाकर नमाज पढ़ना, इसके लिए याद रखें कि जब वो जूड़ा बनाए नमाज पढ़ सकती हैं। बालों को लपेट कर, जूड़ा बनाना कहते हैं उसको, लपेटने को, बालों को लपेट कर नमाज पढ़ें तो इसके अंदर इस बात का ख्याल रखें कि बालों को लपेटें तो गर्दन की तरफ लपेटें, सर के ऊपर ना लपेटें। अगर कोई खातून सर के ऊपर लपेट कर नमाज़ पढ़ती हैं, बहरहाल नमाज तो फिर भी हो जाएगी लेकिन उलमा ने इसको मकरूह लिखा है, लेकिन अगर कोई खातून जूड़ा बनाकर सर के बजाय गर्दन के ऊपर जैसे पीछे की तरफ जूड़ा बना देती हैं तो वो मकरूह नहीं है और इससे नमाज भी हो जाएगी। वल्लाहु आलम।